जोगी नू कहिंदी मेरा हाथ देख ले, हाथ कानू देखू जी ने मुंह देखिया। तो यार गाइस ये वीडियो देखा, दो मिनट में एडिट करके बताऊंगा ये टेक्स्ट भी, और जो साइड में आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा लेयर ब्लैक यानी कि ब्लैक लाइन, तो वो भी मैं बताता हूँ इस वीडियो में पूरा टोटल देने वाला। तो गाइस जल्दी अपन वीडियो चालू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो अगर आप बना एडिट करके अपलोड कर दोगे ना इंस्टाग्राम पे तो आपका भी रील 100% वायरल में जाएगा। तो चलो गाइस आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरा नाम जान लो, मेरा नाम ही दीपक, आप देख रहे हो साइक देखते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि गाइस आपको ऐसे ही ट्रेंड के ऊपर और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड होने चला है और ट्रेंड को एडिट कैसे किया जाता है सब कुछ अपने चैनल पर पता चलता रहता है। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दो मिनट में मैं बता देता हूँ। मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको सामने एक एप्लीकेशन दिख रहा है जिसका नाम है काइन मास्टर। गाइस अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वो वीडियो देखो और अपडेट नया लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना जो कि मेरे पास है 2022 का। ओके तो लेटेस्ट वर्जन है, एक बार यूज करके देखना फिर बोलना। ओके तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आगे का इंटरफेस बता देता हूँ आपको। तो यार गाइस काइन मास्टर ओपन होने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अभी आपको करना क्या है, आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे जैसे क्लिक करोगे ऐसी कुछ साइज आ जाएगी आपके सामने। आप गाइस इस साइज पे दो नंबर पे आपको क्लिक करना है 9.16 जो कि अपनी रील्स वाली साइज है, और ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस आप गाइस मेरे वाला काइन मास्टर लोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे फाइल्स पे आ जाओगे, जो अपडेट वाला काइन मास्टर लोगे तो ऐसे फाइल्स पे आ जाओगे। अब गाइस आपको करना क्या है, आपको एक वीडियो लेना है जैसे कि वो बंदे ने लिया है फर्स्ट में, आपने देखा होगा। तो गाइस मैं डेमो के लिए मेरा वीडियो तो नहीं है, मैं फोटो पे यूज करके आपको कोई नहीं वैसे ही बताऊंगा जैसे कि था। तो गाइस इस फाइल में से जो भी आपकी वीडियो की फाइल में वीडियो ले लेना, तो मैं फोटो लेता हूँ तो फोटो की फाइल से ले लेता हूँ। तो गाइस मेरा कैमरे की फोटो में एक फोटो था, ये वाला फोटो में ले लेता हूँ ऐसे क्लिक करके। ओके तो नीचे मेरा फोटो आ जाएगा, आप वीडियो लेंगे तो ऐसे वीडियो आ जाएगा। तो गाइस वीडियो लेना है आपको 10 सेकंड का। ओके ज़्यादा बड़ा कोई देखता नहीं है, अगर बड़ा भी होगा तो मैं काटना आपको बता देता हूँ। तो गाइस ऐसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी यहाँ पे आ गया। तो गाइस यहाँ से बड़ा क्लीन कर लेना, यानी बड़ी क्लीन में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गाइस इसको भी मैं 10 सेकंड का कर लेता हूँ फोटो को ऐसे खींच के। ओके तो गाइस आपको अगर काटना है वीडियो तो यहाँ पे देखो एंड में से काटोगे तो वीडियो पे टच करोगे, खींची के ऑप्शन पे करोगे, ये देखो लेफ्ट साइड काटना है लेफ्ट साइड, राइट साइड काटना है राइट साइड। ओके तो काट लेना आप मेरा फोटो इसके लिए। अब गाइस ऐसे फोटो पे क्लिक करना है, नीचे आना है आपको, वीडियो और होगा आपका सॉरी वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है ऐसे इंटरफेस के, और इसको ऑन कर देना है, यानी कि देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ओके अब गाइस वीडियो के ऐसे फर्स्ट में आ जाना है आपको वीडियो के। ओके और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है फिर मीडिया पे। फिर गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ और ये वाला सरदार जी वाला ये ओरिजिनल वीडियो डाउनलोड करके आओ। ओके टेलीग्राम ग्रुप से तो ये से कुछ ले लेना है गाइस। जैसे लोगे आप इंटरफेस नया ओपन होगा, इंटरफेस के नीचे आ जाना है और एक्सट्रैक्ट आईडियो पे क्लिक कर देना है, यानी कि नीचे अपना आईडियो बन जाएगा। ओके वीडियो ऐसे डिलीट करना है। ओके देखो यहाँ से हाँ आप गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं साउंड बढ़ाता हूँ, आप साउंड के हिसाब से अपने को वो जो नीचे टेक्स्ट आता है साउंड के हिसाब से रखेंगे, जो जो बोलता है वहाँ से बराबर रखेंगे बराबर काटेंगे। देखो ऐसे वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है और लेयर पे क्लिक करना है, फिर देखो यहाँ पे टेक्स्ट पे। अब गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा जो इसने बोला है, यहाँ तक ही मिलेगा, ज़्यादा बड़ा मैंने लिखा नहीं है, 9-10 सेकंड का ही लिखा है, यानी कि 9-10 सेकंड के अंदर अंदर आएगा। अब गाइस ये तो बोलता है जोगिनू ये फर्स्ट का एरिया, तो गाइस कैसे लिखा है मैंने देखो, ये जो पॉइंट दिए ना मैंने, ये देखो ये पॉइंट दिया है, ये एक दूसरा पॉइंट, तो यानी कि ये बोलने का अपने को अलग अलग रखने, यहाँ से देखो ये तीसरा ये चौथा ये, यानी कि ये देखो बाकी का ऐसे करके आपको हटा देने और ये पॉइंट को भी हटा देना है, इतना ही आपको लेना है। अब ऐसे ले लोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाना है और ये रोबोट वाला ले लेना है आपको, ये वाला साइज। अब गाइस इसको जहाँ भी रखना है रख सकते हो, मैं या डेमो के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। अब गाइस ये फर्स्ट में तो यही बोला है, अभी सुनते हैं कहाँ से काटना है इसको। ओके देखो यहाँ पे बोल रहा है मेरा हाथ, यहाँ पे मतलब बोल रहा है तो यहाँ पे चेंज करेंगे। ओके देखो तो यहाँ से मैंने प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया, बोला नहीं उतने में, अब मैं इस पर टच करूँगा, नहीं तो यहाँ से भी आगे करना आएगा मेरे को। ओके आगे मैंने कर लिया, अभी यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से बराबर इसके बराबर एंड में आते हैं, एंड में आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पे वापस आपको पेस्ट करना है ऐसे। अब गए जो पहले में का भी हटा देना है आपको, और यहाँ से वो पॉइंट तक हटाना है। ओके आप समझ आ गए होगा आपको, यानी पॉइंट मैंने देखे रखे, खाली आपको हटाना है। देखो ये पॉइंट तक, अभी ये पॉइंट को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, वापस गए टेक्स्ट पे, वापस में रोबोट वाला सिलेक्ट करता हूँ, वापस इसको नीचे लेता हूँ इसे, उसके ऊपर ही बराबर जितना बड़ा करना है उतना। ओके अब ये कुछ ऐसा आएगा,
देख ले, हाथ देख ले, ओके। तो यहाँ पे वापस मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा वो जैसे दूसरा शब्द बोलता है। तो यहाँ से मैं बराबर और काट लेता हूँ, इसको आगे ले लूँगा इतना, ओके। तो यहाँ से वापस दूसरा आएगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वापस लेयर पे क्लिक करके फिर पेस्ट करूँगा। अभी यहाँ से मेरे को दोनों हटाने, इससे बराबर ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से टाइप करना, ओके। अब गाइस इतना वापस से पॉइंट तक ये सिंबल भी रहने देना है, मैंने सिंबल दिया है। वापस से टेक्स्ट पे, मतलब ऐसे करते करते आपको ऐसे नीचे बराबर आपको जा रखना है वहाँ पे, यहाँ पे इतना देखो गाइस। हाथ तो कोनू देखू जिने यहाँ पे, और थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, ओके इतना कुछ, ओके। अभी सुनते हैं, देखो यहाँ पे बोल रहा है जिने, तो वापस आपको लेयर पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पे वापस दूसरा सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। हाँ देख ले, देखो यहाँ पे जिने बोला है ना, तो यहाँ से आपको फर्स्ट में आ जाना है क्लिक करके। अब ये फर्स्ट का पूरा हटा देना है, ओके। और यहाँ पे ये यहाँ तक पॉइंट तक, पॉइंट मैंने दिया ही बराबर। अभी मैं सब करके बता दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस लास्ट पॉइंट बाकी, अभी मैं देखो यहाँ पे खबर नहीं बोल रहा है, और लास्ट में गनियानु खबर नहीं, तो यहाँ पे देखो के बराबर पास में आ जाता हूँ, फर्स्ट का पूरा हटा देता हूँ, ओके ऐसे कुछ। अभी यहाँ से ये पॉइंट को भी हटा देता हूँ। अब अभी वही अपने इस पर और यहाँ पे रोबोट पे, और इसको नीचे लेता हूँ और इतना कुछ रख देता हूँ। तो गाइस इतना ही बनाना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखो गाइस यहाँ से मेरा बन चुका है। अभी इसको मैं लेयर पे क्लिक करके, पहले लेयर पे क्लिक करके कैंची के ऑप्शन पे, फिर राइट साइड वाला कट ऐसे भी काट सकते हो। अब गाइस सॉन्ग को भी वही से काटना है आपको, तो यहाँ से देखो सॉन्ग पे क्लिक, वीडियो पे क्लिक करना है अपने, कैंची के ऑप्शन पे जाना है और राइट साइड वाला कट दो नंबर। अभी इतना ही अपना वीडियो है, तो आपको एक बार सुना देता हूँ। तो देखा गया जैसा कुछ आपको इधर बड़ा बनाना हो तो आप ऐसे ऐसे लिख के बना सकते हो। ये तो मैंने डेमो बोटा है फोटो पे, एरो के ऑप्शन पे जाके या पे स्पोर्ट के ऑप्शन पे जाके अपना वीडियो डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे वीडियो डाउनलोड कर लिया, और यहाँ से डायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे पूरा हो जाएगा वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाना है, कैसे मैं बताता हूँ। तो यार गाइस इंस्टाग्राम पे ये इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आपको ले लेना है, देखो वॉल्यूम, ओके। और इसको यहाँ से सेव कर लेना है, फिर और आपको जहाँ आप रील अपलोड करते हैं ना वहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस आपको ये देखो ये रील मैंने बनाया अभी आपके सामने, तो यही ले लेना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस लेगा, फिर आगे का बता दो। तो गाइस वो इफेक्ट तो लगा नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे आपको इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वो इफेक्ट सेव भी कर लेना है वहाँ से, ओके। तो ये देखो ऐसा कुछ अपना इफेक्ट है, तो सब इफेक्ट का ही काम है, अभी आप देख लो, ओके ऐसा कुछ वीडियो है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, वीडियो बन के रेडी हो चुका है, अपलोड कर देना अभी, तो आपका भी रील 100% वायरल में जाएगा।